कैसा लगा। अरे भाई कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, लोग यही चारों तरफ पूछते हैं जब आप थिएटर से निकलने के बाद सामने खड़े होते हैं। सामने वाला हर शख्स यही सवाल पूछना चाहता है आपसे, वाजिब भी है क्योंकि आपने मूवी देखी है और हमने भी देखी है। तो कैसा है क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम यहाँ देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bjorjora.com का यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी अच्छी है, अभी के माहौल में बात करें तो सही टॉपिक को लिया गया है फिल्म बनाने के लिए। फिल्म की कहानी स्वीटी यानी कि सोनम कपूर की है। स्वीटी सबसे अलग है, वो नॉर्मल लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। एक उम्र के बाद जब दो लोग ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं, वहीं स्वीटी को एक लड़की से ही प्यार हो जाता है। स्वीटी इस बारे में किसी को नहीं बताती है, लेकिन अनजाने में ही वो एक प्ले राइटर साहिल मिर्जा यानी कि राजकुमार राव से मिलती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और स्वीटी अपना सबसे बड़ा राज उसे बता देती है। फिर क्या होता है, स्वीटी के परिवार वाले उसे अपनाते हैं या नहीं और साहिल का क्या होता है, यही है फिल्म का क्लाइमेक्स। वहां तक अगर हम आपको ले जाएंगे तो ये एक स्पॉइलर होगा जो हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और चाहनी भी नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं लेखन, निर्देशन और मेकिंग की, किस तरह से बनी है फिल्म, किस तरह से लिखी गई है। जिस तरह से और जितनी हिम्मत दिखाकर ऐसी टॉपिक को बड़े पर्दे पर लाया गया है वो काबिले तारीफ है। अब वक्त आ गया है कि ऐसी कहानी बननी चाहिए, लेकिन ये फिल्म है गुरु और यहाँ लोग सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं बल्कि एंटरटेन होने के लिए भी आते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो फिल्म की स्क्रिप्टिंग सही से नहीं हो पाई है, लेखन में बहुत ही ज्यादा लूप होल नजर आता है। फिल्म का पहला हाफ तो ऐसा है कि आपको लगता है आपके अगल बगल के लोग बिल्कुल ही सो चुके हैं। अगर स्क्रिप्ट मजबूत होती तो फिल्म कुछ और ही बन सकती थी। यहाँ पर लेखिका गजल धालीवाल और शैली चोपड़ा धर दोनों कमजोर लगती है। नए निर्देशकों से जितनी उम्मीदें रहती है, शैली चोपड़ा उन सभी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है। फिल्म की मेकिंग ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है। कैमरा पंजाब की सैर अच्छे से कराती है और एडिटर आशीष सूर्यवंशी यहाँ पूरे मार्क्स ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्टिंग और म्यूजिक की तरफ। सोनम कपूर से शुरू होती फिल्म सोनम कपूर पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के टिपिकल किरदारों को वो आसानी से प्ले कर सकती है, यह वो कई मौकों पर दिखा भी चुकी है। अनिल कपूर, जूही चावला और राजकुमार राव कमाल हैं। राज को अपने स्क्रिप्ट चुनने में अब थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ मिला है रेजीना कसेंड्रा, सीमा पहवा, विजेंद्र काला का और बिल्कुल सबने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा तारीफ अगर होनी चाहिए तो सोनम के भाई बने अब्दुल कादिर अमीन का, उन्होंने एक्टिंग में जान डाल दिया है। आपको क्या लगता है इसका चक्कर इस लड़के के साथ में? तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। फिल्म में एक ही गीत है जो आप सुन भी सकते हैं और गुनगुना भी सकते हैं, गुरुनाल इश्क मीठा। इसके अलावा एक लड़की को देखा वाले गीत तो आप 1992 से ही गुनगुना रहे हैं। फिल्म में तीन गाने और हैं जो कान में तो घुसते हैं लेकिन जुबान पर नहीं चढ़ पाते। गुरप्रीत सैनी ने गीत लिखा है और संगीत है रोचक कोहली का। चलिए बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। फिल्म खत्म होने से 5 मिनट पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए ही दर्शकों को बांध पाती है, लेकिन इसके लिए 2 घंटे और 200 रुपये खर्च करना बेमानी लगता है। आगे आपकी मर्जी। तो इस तरह के बेजोड़ रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन को भी छू दीजिए। थैंक यू।